लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्यारी सी नन्ही सी बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लैपटॉप का डेटा अपने स्मार्टफोन में या कहें तो स्मार्टफोन का डेटा लैपटॉप में बिना किसी वायर की मदद से, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी वायर की मदद से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मैं किसी सैरेट से ट्रांसफ़र करने का तरीका नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी कनेक्ट होता है, कभी कभी नहीं कनेक्ट होता है। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपकी कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली अपना डेटा लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय लगाती हूँ, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, हमें कभी कभी लैपटॉप का डेटा अपने स्मार्टफोन में लेना पड़ता है और स्मार्टफोन का डेटा लैपटॉप में लेना पड़ता है, तो हमें इस तरह की वायर की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ MI ड्रॉप के जरिए, जी हाँ दोस्तों, आप MI ड्रॉप के जरिए अपने लैपटॉप को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको करना क्या है, आपको अपने लैपटॉप को और अपने स्मार्टफोन को किसी एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी दे दीजिए, मतलब एक हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी दे दीजिए और डेटा ऑन ना करते हुए हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप को भी पोको F1 से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैंने अपने स्मार्टफोन को भी पोको F1 से कनेक्ट कर रखा हो, जिससे वीडियो शूट हो रही है। दोस्तों इसका डेटा ऑन नहीं है और डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम इतना काम आपको करना है और ये कंपलसरी ज़रूरी है, आपको अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, एक ही हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको एक ही हॉटस्पॉट से दोनों डिवाइसों को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपको देखिए अपने स्मार्टफोन में, जो कि MI के सभी स्मार्टफोन में MI ड्रॉप अवेलेबल होता है, और अगर आप किसी और कंपनी का सेट यूज करते हैं तो MI ड्रॉप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, तो ये आपको मिल जाएगा। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको MI ड्रॉप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप देखिए इस आइकन पर क्लिक करना है ऑनलाइन में। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्ट टू कंप्यूटर, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस और आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप कोई भी एक चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाता है, तो ये एड्रेस आप देख लीजिएगा, ये एड्रेस हमें अपने लैपटॉप में यूज करना है। तो अब हम अपने स्मार्टफोन को रख देते हैं। तो अब देखिए हमें अपने लैपटॉप में क्या करना है दोस्तों, अपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यही एड्रेस अपने कंप्यूटर में टाइप करना है। तो हमें टाइप करना है FTP। देखिए दोस्तों मैंने ये इसे पहले यूज किया है इसलिए यहाँ पर टास्क बार में आ गया, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये कितने सिंपल तरीके से मोबाइल के सारे फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे के सारे फोल्डर मेरे स्मार्टफोन के दिख रहे हैं। अब हमें मान लीजिए कोई भी एक फ़ोटो लेना है, तो मैं चलिए ब्लूटूथ से एक फ़ोटो लेता हूं। तो ये फ़ोटो मैंने यहां से कॉपी की और यहां पर पेस्ट कर दी। देखिए दोस्तों ये यहां से कॉपी की और ये यहां पर पेस्ट हो गई। और अब हम चाहें इसे लैपटॉप का कोई भी आइटम कॉपी करके यहाँ से, तो अब हम यहाँ से लैपटॉप से भी कोई भी आइटम कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लैपटॉप का डाटा फ़ोन में ले सकते हैं, या कहें तो स्मार्टफोन का डाटा अपने लैपटॉप में इजीली ले सकते हैं, वो भी विद फोल्डर के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रांसफ़र करने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि आप अपने लैपटॉप का डेटा
स्मार्टफोन में और स्मार्टफोन का डेटा लैपटॉप में किस तरह से बिना किसी वायर की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।